हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं ये इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि सब लोग छत्तीसी कौम के लोग एक साथ एक जगह पे एकत्रित होएं और हर त्यौहार मतलब हर खुशी को साथ मिलकर मनाएं। तो होली भी उनमें से एक त्यौहार है। हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ आज़ाद चौक के अंदर पहली होली अपने यहाँ पे इस जगह पे ही मतलब उसमें अग्नि प्रवाहित करी जाती थी सभी लोगों के साथ मिलकर। तो उसी पुरानी परम्परा को हमने यहाँ पुनर्जीवित करने की एक छोटी सी कोशिश करी है। पुरानी जितनी भी हमारी परम्पराएँ रही है उनको जिंदा रखने की एक छोटी सी हम कोशिश कर रहे हैं और आपके माध्यम से सभी से यही अनुरोध करूंगा कि यही जो अपना प्यार अपना तो है यही अपन सब लोगों के बीच में बना रहे और ये त्यौहार आने वाला हमारा पूरा साल ईश्वर की हम पे मेहरबानी रहे और हम सब के लिए बहुत अच्छा रहे। क्योंकि पहले तो देखिए बाड़मेर भी बहुत छोटा सा होता था तो एक ही जगह होलिका का त्यौहार मनाया जाता था, होली का त्यौहार एक ही जगह मनाते थे। ऐसा पुराने टाइम से यहाँ चला आ रहा है कि पहली होली यहाँ पे आज़ाद चौक में जब उसमें अग्नि प्रवाहित करते थे तो उसके बाद ही पूरे बाड़मेर में दूसरी सभी जगहों पर भी जहाँ जहाँ होलिका दहन होता है वो उसके बाद में किया जाता था। इसीलिए जब भी मुहूर्त होता है तो सबसे पहले यहाँ पर उसमें अग्नि प्रवाहित करी जाती है उसके बाद दूसरे सभी जगह पर उसी त्यौहार को मनाया जाता है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आपने ही बता दिया यह असत्य पे सत्य की जीत का त्यौहार है। हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं ये इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि सब लोग छत्तीसी कौम के लोग एक साथ एक जगह पे एकत्रित होएं
और हर त्यौहार मतलब हर खुशी को साथ मिलकर मनाएं। तो होली भी उनमें से एक त्यौहार है। हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ आज़ाद चौक के अंदर पहली होली आपने यहाँ पे इस जगह पे ही मतलब उसमें अग्नि प्रवाहित करी जाती थी सभी लोगों के साथ मिलके। तो उसी पुरानी परंपरा को हमने यहाँ पुनर्जीवित करने की एक छोटी सी कोशिश करी है। पुरानी जितनी भी हमारी परंपराएँ रही है उनको ज़िंदा रखने की एक छोटी सी हम कोशिश कर रहे हैं। और आपके माध्यम से सभी से यही अनुरोध करूंगा कि यही जो अपना प्यार अपना तो है यही अपन सब लोगों के बीच में बना रहे और ये त्यौहार आने वाला हमारा पूरा साल ईश्वर की हम पे मेहरबानी रहे और हम सब के लिए बहुत अच्छा रहे। पहली अग्नि प्रज्वलित की जाती थी राज परिवार द्वारा, मकसद क्या था? सामुदायिक सद्भाव और एकता, क्योंकि पहले तो देखिए बाड़मेर भी बहुत छोटा सा होता था तो एक ही जगह होलिका का त्यौहार मनाया जाता था, होली का त्यौहार एक ही जगह मनाते थे। ऐसा पुराने टाइम से यहाँ चला आ रहा है कि पहली होली यहाँ पे आज़ाद चौक में जब उसमें अग्नि प्रवाहित करते थे तो उसके बाद ही पूरे बाड़मेर में दूसरी सभी जगहों पे भी जहाँ जहाँ होलिका दहन होता है वो उसके बाद में किया जाता था। इसीलिए जब भी मुहूर्त होता है तो सबसे पहले यहाँ पे उसमें अग्नि प्रवाहित करी जाती है, उसके बाद दूसरे सभी जगह पे उसी त्यौहार को मनाया जाता है। पुरानी परंपरा रखना कितना जरूरी है, आप देखिए कि छत्तीसी कौम के लोग आज यहाँ आपके सामने खड़े हैं तो यही तो वो त्यौहार है जो हमें एक दूसरे से जुड़ने का एक अच्छा मौका देते हैं। तो ये छत्तीसी कौम के लोग अपन सब लोग साथ में इसी तरह त्यौहार मनाते रहें। जैसे अपन अभी कोरोना जैसी बीमारी से निकलकर बाहर आए हैं तो उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की अपने ऊपर बड़ी मेहरबानी रहे और फिर ऐसी कोई पेंडेमिक सिचुएशन नहीं आए और अपन इसी तरह हंसी खुशी इस बाड़मेर को आगे कैसे बढ़ाएं इसके बारे में बात करें।